दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मूवी का नाम है एनजी लॉस्ट गर्ल्स और ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी लड़के की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। अगर वो लड़की बचकर भी आ जाए तो क्या वो पहले की तरह नॉर्मल हो सकती है, और आज की कहानी में हम यही पता चलेगा। 16 साल की एक प्यारी सी लड़की एंजेल, जो कि अपनी छोटी बहन मैडी के साथ में मस्ती कर रही थी, दोनों अपने पेरेंट्स के घर आने का वेट कर रहे थे। और दूसरी तरफ रेचल अपनी दोस्त जोय की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जोय को कभी ऐसी खुशी मिली नहीं थी और वो रेचल जैसी एक दोस्त को अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर जाती है और तब भी वहाँ पर डेकन नाम का एक आदमी आता है जो कि जोय को ले जाने के लिए आया था, लेकिन जोय उसके साथ में जाना नहीं चाहती थी। और तब डेकन चाकू दिखाकर जोय को ज़बरदस्ती अपने साथ में ले जाता है। रेचल घर के बाहर आती है तो उसे जोय कहीं नहीं मिलती है और पुलिस को कॉल करके जोय के किडनैप होने के बारे में बताती है। अब अगले दिन घर के बाहर एंजेल और मैडी गाना गा रहे थे, तभी वहाँ पर मारियो नाम का एक लड़का आकर एंजेल की आवाज़ की तारीफ करता है। और उसी रात रेचल काम से घर वापस आती है। वो जोय के लिए परेशान हो रही थी और अगले दिन एंजेल अकेले ही स्कूल से घर वापस आ रही थी। वहीं पर मार्को उससे मिलता है और उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए कहता है। एंजेल भी मान जाती है और दोनों पार्क में जाकर बातें करने लगते हैं। मार्को उससे फ्लर्ट कर रहा था और उसे कहता है कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंजेल भी धीरे धीरे मारियो के लिए फीलिंग्स महसूस करने लगी थी। और दिन बीतते जाते हैं और हर दिन स्कूल के बाद में मारियो और एंजेल एक दूसरे से मिलते थे। फिर एक रात को मारियो एंजेल को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे अपनी फेवरेट प्लेस दिखाने वाला था। एंजेल फिर घर पर बिना बताए मारियो के साथ में अकेले निकल जाती है। मारियो एंजेल से कहता है कि उसके अंकल म्यूज़िक बिजनेस चलाते हैं और वो उसकी हेल्प कर सकते हैं उसका म्यूज़िक करियर बनाने के लिए। वो एंजेल को कहता है कि वो हमेशा उसके साथ में रहेगा और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब एक दिन स्कूल में एंजेल का म्यूज़िक प्रेजेंटेशन था, लेकिन उसके पेरेंट्स काम की वजह से नहीं आ पाते हैं। एंजेल इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी तो मारियो को मिलने के लिए बुलाती है। मारियो वहाँ पर आकर उससे कहता है कि वो आज चाहे तो उसके अंकल से म्यूज़िक के लिए मिल सकती है और वो उसके टैलेंट को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। एंजेल उसके साथ में जाने के लिए राजी हो जाती है और जाते समय मारियो एंजेल के फ़ोन को वहीं पर फेंक देता है और एंजेल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। एंजेल जब मारियो के अंकल से मिलती है तो वो और कोई नहीं डेकन ही था जिसने जॉयस को किडनैप किया था। डेकन एंजेल से कहता है कि वो उसकी आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उनके क्लाइंट भी एंजेल की सिंगिंग सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। डेकन एंजेल को रॉब नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है। एंजेल जब गाना गा रही थी तो रॉब उसे गलत तरीके से टच करता है और एंजेल का वो रेप भी करता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मारियो ने डेकन के पास में एंजेल को भेज दिया था। फिर अगले दिन आयरिश नाम की एक औरत एंजेल को उसका रेप किया हुआ वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर एंजेल ने उनकी बात नहीं मानी तो वे लोग इस वीडियो को एंजेल के पेरेंट्स को दिखा देंगे। इस तरफ एंजेल के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और दो दिनों से एंजेल का कोई भी अता पता नहीं था। इधर आयरिश एंजेल को एक दूसरे क्लाइंट के लिए रेडी कर रही थी और एंजेल उस क्लाइंट से मदद मांगती है, लेकिन वो क्लाइंट एंजेल का रेप करता है। फिर कुछ समय के बाद में एंजेल जॉयस से मिलती है। जॉयस एंजेल से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी देखभाल करेगी। जॉय को भी उन लोगों ने एंजेल की तरह फंसाया हुआ था। कुछ समय के बाद में डेकन उन लड़कियों के पास आकर ही कहता है कि अब यही उन लोगों की लाइफ है और जितना वे लोग काम करेगी उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो वो उन सभी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा। समय बीतता है और मारियो एंजेल से मिलना आता है। वो उससे कहता है कि वो उन लोगों के मुताबिक काम करती जाए, वो भी उसी की ही तरह एक विक्टिम है और अगर एंजेल उन लोगों की बात नहीं मानेगी तो वे लोग उसे और उसकी माँ को मार डालेंगे और वे एंजेल के पेरेंट्स को भी मार देंगे। दिन फिर धीरे धीरे बीतते जाते हैं और एंजेल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एंजेल की कोई भी खबर नहीं थी। इधर जॉय एंजेल को बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अनाथ आश्रम में थी और उसके साथ किसी ने अच्छा बिहेव नहीं किया था, सिर्फ एक रेचल ही था जिसने उसकी हमेशा केयर की। वो उसे कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होंगे, तब तक उसे यहाँ पर जिंदा रहना होगा, उनका इंतज़ार करना होगा। फिर एक दिन डिटेक्टिव आकर एंजेल के पेरेंट को कहते हैं कि एंजेल को किसी सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग ने किडनैप किया है और उसे ऑनलाइन बेचा जा रहा है। एंजेल के पेरेंट्स उसकी इस हालत को सोचकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। और अब जब पता चल चुका था कि एंजेल कहाँ पर फंसी हुई है तो वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस उसे जल्दी ढूंढ लेगी।
फिर एक दिन मारियो एक नई लड़की एल्डा को डेकन के पास में लाता है और सभी लड़कियों को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है क्योंकि वहां पर पुलिस के आने का खतरा था। जहां पर एक क्लाइंट एंजल को बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसकी बॉडी को सिगरेट से जलाता है। अब एक दिन पुलिस ऑफिसर क्लाइंट बनकर एंजल के पास में आता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले डेकन को इस बारे में पता चल गया था कि वो एक पुलिस वाला है और डेकन उसे मार डालता है। फिर डिटेक्टिव लड़कियों को बचा पाता उससे पहले डेकन लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाता है और फिर डेकन लड़कियों को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने भागने की कोशिश की। एक दिन डेकन एंजल को इवन नाम के एक आदमी के पास में भेजता है और जॉयस एंजल को कहती है कि वो आज किसी भी तरह से भाग जाए, नहीं तो उसे किसी और देश में ले जाया जाएगा और उसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तभी फिर एंजल सही मौका देखकर वहां से भाग जाती है, लेकिन जॉय को डेकन पकड़ लेता है। एंजल वहां से भागकर एक प्ले हाउस में छुप जाती है और सुबह उसे माँ के ऑनर हॉस्पिटल में भेज देते हैं। डिटेक्टिव को एंजल के बारे में पता लगते ही वो उसके पेरेंट को हॉस्पिटल में बुलाते हैं, लेकिन एंजल को उसके पेरेंट्स याद ही नहीं थे कि एंजल को बहुत बड़ा सदमा लगा है और उसे स्पेशल केयर देने के बाद में ही उसके घर ले जाया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद में एंजल अपने घर पर आती है जहाँ पर रेचल उसे मिलने आती है। रेचल एंजल के हाथ में जॉय का ब्रेसलेट देखती है और वो उससे जॉय के बारे में पूछती है, लेकिन एंजल कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में एंजल समझ नहीं पा रही थी कि वो असल में कौन है। वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी और अगले दिन डिटेक्टिव एंजल के घर पर आते हैं उससे कुछ सवाल पूछने के लिए। वो उन किडनैपर के बारे में एंजल से पूछते हैं कि अगर एंजल को उनके बारे में कुछ पता है तो वो उन्हें बता देगी, जिससे कि बाकी लड़कियों को भी वहां से बचाया जा सकता है जो कि अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। लेकिन डर के मारे एंजल कुछ भी नहीं बता पाती है और इधर आयरिश टेंशन में थी कि कहीं एंजल पुलिस को उनके बारे में न बता दे। वो डेकन को कहती है कि वो एंजल को एक मैसेज भेजे ताकि वो चुपचाप रहे और किसी को भी कुछ नहीं बताए। एंजल फिर एक गैदरिंग में जाती है जहाँ पर उसके जैसी ही सेक्स ट्रैफिकिंग से बची हुई लड़कियाँ थीं। वहाँ पर वायलेट नाम की एक लड़की उससे कहती है कि उसे उन्हीं लोगों ने किडनैप किया था और वो एंजल को पुलिस में गवाही देने के लिए कहती है, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं वो गैंग उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचा दे। और उसी दिन डेकन वायलेट को किडनैप कर लेता है। इधर आयरिश मारियो को धमकी दे रही थी कि वो एंजल को वापस ले आए, नहीं तो उसे और उसकी माँ को मार दिया जाएगा। इस तरफ एंजल न्यूज़ में देख रही थी कि वायलेट की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली है। एंजल को एक अनजान मैसेज आता है जो कि उसे धमका रहा था कि अगर वो पुलिस को कुछ भी बताएगी तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। तभी वहाँ पर रेचल आती है एंजल से मिलने के लिए। एंजल उसे वो मैसेज दिखाती है और रेचल उसे समझाती है कि एक समय पर उसे भी सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसा गया था, लेकिन वहाँ से निकलकर उसने बाकी लड़कियों की मदद की। वो एंजल को प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ में हमेशा रहेगी। एंजल डिसाइड करती है कि वो बिना डरे पुलिस वालों को गवाही देगी। एंजल डिटेक्टिव को बताती है कि उसे वहाँ पर एक दिन में 22 से 23 बार उसका रेप किया जाता था और मना करने पर उसे बुरी तरीके से मारा जाता था और उसे टॉर्चर भी किया जाता था। अब वो चाहती है कि उन सभी को सजा मिले। वो डिटेक्टिव एंजल की फैमिली को एक सेफ प्लेस में भेज देते हैं ताकि डेकन या उसके आदमी उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए और वो एंजल को एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं और उसे एंजल को हर समय अपने साथ में रखने को कहते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो कि रेचल के घर पर काम करती थी, वो लड़की डेकन के साथ में मिली हुई थी और वो डेकन को एंजल का नंबर भेज देती है। रात को डेकन एंजल को मैसेज करके कहता है कि वो वापस उनके पास में आ जाए, नहीं तो वो लोग उसकी बहन को ले जाएंगे। एंजल फिर अपना ट्रैकिंग डिवाइस छोड़कर मारियो के साथ में चली जाती है और इस बारे में डिटेक्टिव को पता लगते ही वो एंजल के पेरेंट्स और रेचल को बताते हैं। रेचल को समझ में आ जाता है कि उसके घर पर काम करने वाली नोवा ने डेकन को एंजल का फोन नंबर दिया है। नोवा भी मजबूर थी क्योंकि उसका बच्चा आयरिश के पास था। नोवा रेचल को डेकन का लोकेशन बता देती है और इधर आयरिश और डेकन एंजल को फोर्स करती है कि वो उनको सब कुछ बताए, लेकिन एंजल उन्हें कुछ नहीं बताती है। तब डेकन मारियो को मार डालता है और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और गोली मारकर डेकन को मार डालते हैं और आयरिश को अरेस्ट कर लेते हैं। वे बाकी लड़कियों को भी वहाँ से बचा लेते हैं और रेचल को भी जॉयस मिल जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर नोवा का बच्चा नहीं मिलता है क्योंकि आयरिश ने उसे बेच दिया था। एंजल के पेरेंट्स अपनी बेटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन एंजल उन मिसिंग लड़कियों के पेरेंट्स की तरफ देखकर ये कहती है कि अब इनका क्या होगा। दोस्तों, इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग
किस हद तक जा सकती है। एक बार वहाँ पर फंस जाने के बाद में लड़कियों को बस उन्हीं लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, नहीं तो उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई अपना ही हमें उस नरक में धकेल सकता है, और अगर वहाँ से कोई लड़की बचकर आ भी जाती है तब भी उनकी लाइफ आसान नहीं होती है। वो लड़कियाँ ज़िंदगी भर भयानक यादें और टॉर्चर कभी नहीं भूल पाती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही आपके लिए लेकर आता रहूँगा।